केजरीवाल দিল্লীত পুনৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰ। দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টীয়ে মাৰিলে শেষ আহি। দিল্লী দখলৰ স্বপ্ন চাৰখাৰ বিজেপিৰ। একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লীত জয়ী হলাপ। অপিনিয়ন পলৰ মতেই আকৌ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হল কেজৰিৱাল। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আপে। মে সবি দিল্লি বাসিয়ন কো তহে দিল সে শুকরিয়া আদা করনা চাহতা হুঁ কি উনহোনে তিসরি বার আপনে বেটে পে ভরোসা কিয়া। ইয়ে জিত মেরি জিত নহি হ্যায়, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। दिल्ली दखलर बाबे सर्वशक्ति प्रयोग करिसिल बीजेपीए। প্রধানমন্ত্রী মোদী, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বিজেপির বিয়াগুম নেতাই ভিড় করেছিল গৈ দিল্লীত। বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলে প্রচার চলা দিল্লীত কিন্তু আঘাত হানিবলৈ ব্যর্থ হল কেজরিওয়ালক। উন্নয়নের রাজনীতিরে দিল্লীবাসীর মন জয় করলে কেজরিওয়াল নেতৃত্বাধীন আপে। মানে দিল্লী কি 2 কৰোড় জনতা কো সর ঝুকা কে নমন করতা হুম। उन्होंने संदेश दिया कि काम के नाम पे भी देश में चुनाव हो सकते हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मुद्दों को जो केजरीवाल जी ने चुनाव का मुद्दा बनाया, उसके परिणाम स्वरूप 5 साल जो उन्होंने सेवा की, उसके परिणाम स्वरूप आज ये इतना बड़ा फैसला दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है। आनफले आखन बाढ़िल जदिव दिल्लीवासीर मन जय करिब नोवारिले बीजेपीए। पराजय स्वीकार करिले बीजेपीए। हमने अपने हिसाब से काफ़ी अपेक्षाएं रखी थी, हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। हमेशा मैंने शुरू में ही कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक दिल्ली की बेहतरी की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने, एचएम ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, सब ने एक बेहतर दिल्ली की बात की है और हम वो समझाने में नहीं सफल रह पाए, आगे देखेंगे। ইফালে এই নির্বাচনত কংগ্রেসে নাপালে এখনো আসন, কিন্তু কংগ্রেসের নাই অল্প দুঃখ। প্রতিক্রিয়া দিলে এইদরে, হামারা ইয়ে মাননা হে কে বহুত সারে কারণ রহে, হামারা ভোট পার্সেন্টেজ গিরা হে, 22% সে হম ঘটকর 5 या 6% তক আ গয়ে হ্যাঁ, সংসদীয় চুনাব সে বিধানসভা চুনাব তক। ये एक राजनीतिक दौर के दल के तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय है, आंकलन का विषय है। और जैसा मैंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली की कांग्रेस की इकाई ने यह निर्णय किया है दैट वी विल रीड्रॉ फ्रॉम द ग्रास रूट्स। आनफले बीजेपी परास्त हुआ प्रतिक्रिया हिल विभिन्न जनर पड़ा। And they are spreading all the false rumors and propaganda against of one community to another community, and the hectic politics will not work for this country. It is a battle. I congratulate the Delhi voters. Delhi is our capital, and all caste, creed, community, religions, they work together, they stay together. So this is the victory of the people, this is the victory of the democracy, this is the victory of Arvind Kejriwal and their full team. I congratulate all of you. উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলবাৰে আপ জয়ী হোৱাৰ দিনটোতেই কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালৰ জন্মদিন আছিল। এই দিনটোতেই দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিল কেজৰিৱাল। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है,
मैंने तो केक खा लिया, आप सबको भी खिलाई है। Definitely, इससे ज्यादा अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता था मुझे। This is the biggest gift I've got. सच की जीत हुई है और दिल्ली की जनता ने सच को जिता दिया। अभी तो हम लोग प्लान करेंगे, अभी प्लान नहीं है, अभी तो बस माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत खुश है और ऐसी सेलिब्रेट। हाँ हाँ, सब लोग, दोस्तों का कॉल आए, मैसेजेस आए, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब बहुत खुश है। मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, ये सभी की विक्ट्री है। बहुत ज्यादा है, मतलब डबल पार्टी हो गई है। मम्मी का भी बर्थडे था और मतलब इतना ज्यादा दिल्ली की जनता ने, इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता था कि 63 सीट्स दे दी है, तो बहुत ज्यादा खुशी है। एंड जरूर रात में जाके कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे हम। জয়ত দিল্লীত দেখা গল আপ সমর্থকর বিজয় উল্লাস। ব্যুরো রিপোর্ট, টিএনএল নিউজ।